बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी गलत मैसेज जा रहा है कि गोडसे ने बचाया है गांधी जी को। तो ये क्वेश्चन मार्क अभी भी हमारे माइंड में है। गांधी जी गलत भी थे, बस एक सवाल ये उठता कि इतनी बड़ी हिस्ट्री दबाई क्यों गई। मानतात लोको ये आता पण सध्या तेज चाल, क्यों मारे उनको। बहुत बढ़िया पिक्चर बनाई है, सुपर्ब। ऐसा लगा पिक्चर कभी एंड ही नहीं हो। और गोडसे और गांधी जी का जो डायलॉग डिलीवरी था, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया पिक्चर। क्या मतलब अभी खुल के क्वेश्चन मार्क है इस पिक्चर में? बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है जो हमने भी पढ़ा हिस्ट्री में, कि चाचा नेहरू को क्यों बनाया उन्होंने, गांधी जी का झुकाव नेहरू के ऊपर क्यों था, और ये लो पटेल इनको क्यों नहीं, इलेक्शन में इनको क्यों नहीं खड़ा किया, वोट इनको ज़्यादा मिला था। तो ये क्वेश्चन मार्क अभी भी हमारे माइंड में है, शायद सेकंड पार्ट में ये क्लियर करेंगे। पर पिक्चर एक्सीलेंट पिक्चर। एक्टिंग कैसी लगी सब? सबकी बहुत जोरदार, सबकी बहुत बढ़िया एक्टिंग थी। मैं इसमें एक चीज बताया गया है कि गोडसे की गांधी जी को बचाते हैं। हमने हिस्ट्री में कभी नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा। और गोडसे और गांधी जी की इतनी टॉकेटिव जो बातें हुई वो भी हमने नहीं पढ़ा। डायलॉग डिलीवरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत बढ़िया पिक्चर लगी। यही कहना चाहिए सबको, ये पिक्चर देखनी चाहिए तो हमें हिस्ट्री के बारे में जिनको कुछ भी नहीं मालूम पक्का पता चलेगा। थैंक यू। भी बहुत अच्छी है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को एक अच्छी तरीके से उनको दिखाया है, तो यही करना चाहूँगा। पहले तो उतना ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन जितना भी देखा दोनों की बातें पता चली, और दोनों को जो पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए था वो अच्छे तरीके से रखा है, और यही करना चाहूँगा। सॉरी, समझा नहीं। मूवी को 5 मिनट कितना स्टार दो? आउट ऑफ 4 या बहुत अच्छी मूवी लगी, और मुझे ऐसा लगता है कि एक काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल इन्फॉर्मेटिव मूवी है जो सबको देखनी चाहिए। हंसी मजाक और ये शोशाबाजी चल रही है, लेकिन एक ऐसी मूवी जो प्रेरित करती है, और गोडसे के बारे में ज़्यादा लोगों को अच्छे से नहीं पता। गोडसे पता है कि गोडसे के ये विचार थे, लेकिन गोडसे और गांधी जी का क्या रिलेशन था वो इस फिल्म ने बताया, और गांधी जी को एक पूरी बड़ी पिक्चर में दिखाया है कि गांधी जी गलत भी थे। गोडसे ने उनको बोला कि तुम गलत थे, और उन्होंने माना कि मैं गलत था। बाद में गोडसे उनसे खुद प्रेरित हो गए कि हाँ, इस बंदे ने अपनी गलती मानी और खुद को सही किया। पिक्चर देख के पूरा माइंड सेट चेंज होगा, क्योंकि गोडसे ने अटैक किया था, मर्डर नहीं किया था गोडसे ने। जब गोडसे ने देखा कि अच्छा आदमी है, तो गोडसे खुद उनके साथ गांधी जी के साथ चले। तो मुझे ये चीज़ बहुत, और गोडसे के विचार जो थे, गोडसे एक आम आदमी है जो एक सोचता है, लेकिन और बिल्कुल सही सोचता है। गोडसे एकदम ईमानदार आदमी था, बिल्कुल जो जैसा था वैसा फॉलो करता था। लेकिन गांधी जी बहुत बड़ा एक कोई उनसे भी मतलब एक कहते हैं ना कि बहुत बड़ा विचार थे वो। गांधी जी ना कोई शरीर था ना कोई हड्डी थी, सिर्फ एक विचार था। और बाद में गोडसे ने भी उस विचार को माना। गांधी जी ने सबसे बड़ी चीज़ ये कही कि हम अपनी गलती ठीक करें। गोडसे को ये चीज़ अच्छी लगी, और उन्होंने देखा कि इस बंदे ने जो बोला वो किया। आउट ऑफ 5 ये स्टार के लायक ही नहीं है। 5 पार कर दो, 5 भी हटा दो, ये स्टार ये मूवी नहीं है। ये एक बहुत प्रेरित करने वाली चीज़ है, समाज के लिए ज़रूरी है। जी थैंक यू। गांधी वर्सेस गोडसे, जितना मैंने अभी इतने दिनों से सुन रहा था कि ये कॉन्ट्रोवर्सियल है, ये है वो है, मगर देखने के बाद मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। एक फिल्म शुरुआत होती है कॉन्ट्रोवर्सी से, मगर लास्ट में जाके हेल्दी माहौल में ख़त्म होती है। बहुत अल्टीमेट मूवी है। हंड्रेड परसेंट मतलब ये एक, मुझे ये लग रहा कि एक हिस्ट्री चेंज है पूरी, जो लोगों को पता नहीं थी। ऑब्वियसली हम आप लोग भी पढ़ते थे, तो हमने सिर्फ इतना ही सुना था कि गोडसे हत्यारे हैं, गोडसे हत्यारे हैं। आज तो पूरी थॉट्स चेंज हो गई, मतलब गांधी गोडसे लगा ही नहीं एंड में कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन, कि मित्रवत दोनों साथ रहे, एक जेल के अंदर साथ में एक साथ निकलते हैं। चेंज है, बस एक सवाल ये उठता कि इतनी बड़ी हिस्ट्री दबाई क्यों गई। आज ये फिल्म देखी है मैंने, मैं सैल्यूट करता हूँ राज सर को, पूरी टीम को, गांधी गोडसे को। एक छोटा सा कैरेक्टर मेरा भी है इसमें, रिफ्यूजी का, 3-4 सीन है,
तो मुझे तो अच्छा लगा और फिल्म नो डाउट बहुत अच्छी है, सबने तारीफ की अंदर, जगह जगह लोगों ने क्लैपिंग की है, किसी किसी उस पर हल्की फुल्की सी जैसे एक आपस में एक दोस्तों की या बाप बेटे की कभी कभी एक मजाक होती ना, वैसी गांधी गोडसे की भी है, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब हम जितना सोच के आए थे कि गांधी गोडसे कॉन्ट्रोवर्सी ये सब होगा, नो डाउट सब फिल्म देखिए बहुत अच्छी है। फिल्म को देखिए, फिल्म स्टार्टअप तो बहुत वैसी होती है, पैनिक लगता है कि अब पता नहीं अब क्या होगा अब क्या होगा, लेकिन जैसे जैसे फिल्म बढ़ती जाती वैसे वैसे माहौल वो हेल्दी होता जाता है। और मैं फिर वही कहूँगा आपसे कि जो एक बड़ा एक बहुत बड़ी चीज़ जो देश से शायद छुपाई गई थी या बताई नहीं गई, एक्स वाई जेड मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद मैं सैल्यूट करता हूँ गांधी गोट से दोनों। हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी, बट एज अ स्क्रिप्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू इज़ अ गुड, क्योंकि इसमें कैसा है कि जो लास्ट में दिखाया गया है कि जो गांधी जी जो किस मतलब गांधी को एट द एंड गोडसे ने टर्न ऑन किया ऐसा बोल रहे हैं, बचाया मतलब, तो मैंने ऐसा कभी सुना नहीं था। मैंने स्कूल में जब देखा था कि भाई गांधी ने गोडसे ने गांधी को मारा है, तो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि गोडसे ने गांधी को बचाया है, और क्या मालूम कि किस टाइम जोन की बात कर रहे हैं लोग, हिस्ट्री को पूरा बर्बाद कर दिया इन लोग ने। मूवी पॉइंट ऑफ व्यू से रेटिंग दूंगा मैं 4, और अगर हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो 2 या 1.5 ही दूंगा। देखो इसमें क्या है ना, किसी का पकड़ा भारी नहीं रखा इन लोग ने, पहले इन लोग ने इस गांधी जी का पकड़ा भारी दिखाया, फिर गोडसे जी का पकड़ा भारी दिखाया, तो इन लोग ने क्या क्लियर करना है मुझे मालूम नहीं। क्योंकि देखिए जो जब उनका हत्या हुई जो रियलिटी में देखेंगे, तो उसके बाद इतना टाइम कहाँ हुआ कि भाई आमरण अनशन वगैरह के गोडसे ने मारने के बाद की, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा सुना है। तो हिस्ट्री तो है ही नहीं, हिस्ट्री तो पूरी डेड है। मूवी देखनी है तो जब फैमिली का टाइम पास के लिए देख सकते हैं, बट सीरियसली मत लीजिए इतना ही बोलूँगा। इसमें कैसा है देखो, फिर भी 2 ग्रुप्स है, गांधी को सपोर्ट करने वाले गोडसे को सपोर्ट करने वाले। अभी क्या है कि किसी एक को सपोर्ट करेंगे तो फिर एक ग्रुप तो डिसअपॉइंट होगा, तो इसमें क्या है कि दो डायरेक्टर ने ऐसा दिखाया कि किसी को डिसअपॉइंट करने से अच्छा दोनों को ही अपन विन विन पोजिशन में डाल देते, तो वही है अभी उनका। अच्छी है मूवी, अच्छी मूवी में अच्छा लगा कि किसी को गलत नहीं दिखाया है, ना गांधी को गलत दिखाया है ना गोडसे को गलत दिखाया है, सब न्यूट्रल रखा है, और कास्ट वाइज वगैरह भी सब अच्छा दिखा है। मतलब जिस तरह से लोगों को जो पता था पहले हाँ गोडसे ने गांधी को मारा, कितना मेंटेलिटी चेंज हुआ पहले जैसे, मतलब इतिहास में सीखते आया हो कि गोडसे ने ही मारा है गांधी को, तो ऐसे दिखाया तो है पर गांधी जी बच जाते हैं ऐसे मूवी में दिखाया है, और एंड में गोडसे ही गांधी जी को बचा दे एक और दुश्मन से, तो वो पता नहीं था कि गोडसे बचाते हैं कि नहीं, तो वो डिफरेंट लगा, वो नया लगा कुछ, मतलब पहली बार देखा मैंने सुना। स्टोरी बताया कि जिस तरह से रिप्रेजेंट किया है, आपको क्या लगा कि ओरिजिनल लगा या कि फिक्शन लगा? स्टार्टिंग में आधा मूवी मतलब एक्चुअल लगा ओरिजिनल हिस्ट्री वाइज है, बट एंड में पता नहीं अभी, वो तो पहली बार देख रहा हूँ कि गोडसे ने बचाया है गांधी जी को, वो पहली बार देख रहा हूँ तो डिफरेंट लगा थोड़ा। एक्टिंग अच्छी है, सबकी अच्छी एक्टिंग। 4 वही हिस्ट्री में जो गलत है, मतलब डिफरेंट दिखा है वो, मैं पहली बार दिखाई इसलिए तो ऐसे 1 मार्क। पिक्चर वाइज बहुत अच्छी थी, एज मतलब जो सिनेमाटोग्राफी की है वो बहुत सही है, और जो उन्होंने एंड किया है वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि एंड में वो और अच्छा कर सकते थे, क्योंकि जो एंड उन्होंने किया उसमें क्या दिखाया कि दोनों एक साथ आते, मैंने तो ऐसा कभी हिस्ट्री में सुना नहीं है कि गांधी और गोडसे एक साथ आते और जब भी बाहर जेल से निकले, क्योंकि मैंने इतना सुना है कि मेरे स्कूल में क्योंकि गांधी ने गोडसे को मारा है वैसा है कि उसके बाद तो वो लोग फिर वापस वो मतलब आता है और बाद में एक ही जेल में रहता है, वो थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स है। और उन्होंने ये भी दिखाया कि करके जो गांधी जी है कि मतलब उनको और मतलब जो उनके रहते हैं मतलब इनके गोडसे जी के जो विचार रहते हैं वो थोड़ा सुधारने के जाते हैं, पर उनके जो विचार है वो उनके थे और वो गांधी जी के थे वो उनके थे, वैसा दोनों अलग अलग है। यस पिक्चर देखने के बाद जो बताया गया सीन आपको लगता है वो फिक्शन है?
हाँ पहले कभी ऐसा सुना ही नहीं है, हिस्ट्री में ऐसा कभी सुना नहीं है, क्योंकि गोडसे ने ही गांधी जी को मारा था और उसके बाद में उन्होंने दिखाया कि गांधी जी ने अपना गोडसे जी ने गांधी जी को वापस बचाया। वो जो है वो जो मतलब थोड़ा अलग है हिस्ट्री वाइज, अभी कोई अपने बच्चे लोग को लेके आएगा तो वो हिस्ट्री सामने मतलब जो मतलब उन्होंने उनको मतलब अच्छा एंड करना था इसलिए वैसा स्टोरी निकाला है, क्योंकि क्या गांधी जी एज अ महात्मा थे इसलिए उन्होंने ऐसा एंड किया। पर जो मतलब अभी कोई किसके मतलब बच्चे लोग को लेके आएगा या अभी यंग जनरेशन देखेगी तो वो गलत मैसेज जा रहा है, क्योंकि वो गलत देख रहे हैं, क्योंकि ये है नहीं ना जो हिस्ट्री में था जो गांधी जी ने गोडसे को मारा था और वो जो कर रहे थे जो गोडसे ने किया वो गलत ही था। पर क्या है उन्होंने जो उनका जो मोटो था मतलब जो गांधी जी का मोटो था वो गलत था ना पूरा, क्योंकि वो जो थे वो सब लोग को एक साथ करने उनको करना था, पर उनका जो मोटो था पूरा का पूरा एक साथ करने के अलावा वो सब मतलब जैसे बुरा मतलब जो पाकिस्तान था वो अपने भारत में लाना चाहते थे, पर उन लोग को वैसा नहीं था वैसा। आपको लगता है कि ये जो पिक्चर बना है गोडसे जी के जो किरदार है उनको अच्छा दिखाने के लिए बना है? मुझे तो ऐसा लग रहा है ये तो गांधी जी का जो है वो अच्छा दिखाने के लिए गए, गोडसे जी का तो दिखाया ही है पर गांधी जी का थोड़ा ज़्यादा पोर्ट्रे किया है, क्योंकि जो गांधी जी का मतलब जो उन्होंने दिखाया है वो अच्छे तरीके से उन्होंने दिखाया है, क्योंकि गोडसे जी का तो दिखाया ही है पर उनका थोड़ा कम है जो मतलब उन्होंने काम इतना नहीं किया है, पर ज़्यादा काम तो गांधी जी ने किया है पर उनका जो पोर्ट्रे किया है वो बहुत कम किया है। आउट ऑफ 5-4 जो एंड था वही मैं बोल रहा हूँ वापिस, जो एंड था वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि एंड वैसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गांधी जी ने गोडसे को मारा तो वही लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर उन्होंने जो दिखाया कि दोनों एक साथ आते हैं जेल से वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था वैसे। वेलकम। बहुत अच्छी मूवी राजकुमार संतोषी जी की है और लोग बोलते हैं कि एक एक करेक्टर को जो अंबेडकर साहब का करेक्टर है या नेहरू जी का है या पटेल जी का है और प्रॉपर गांधी जी का लगा कि सच में हम गांधी जी से स्वयं देख रहे हैं साक्षात, ऐसा फील हो रहा है। जब मेरा जन्म नहीं हुआ तो उससे पहले का वो सब घटना है, लेकिन बहुत अच्छा बना है फिल्म। सर जिस तरह से मूवी में दिखाया गया है क्योंकि लोगों को जब पहले पता था जब हिस्ट्री में पढ़े थे गोडसे ने गांधी को मारा, पिक्चर देखने कितना माइंड चेंजेस होगा, कितना लोगों की सोच बदलेगी? देखिए क्या होता है, एक परिवार में एक बाप के कई बच्चे होते हैं, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति की सोच एक जैसी हो। तो गांधी जी एकदम रिलैक्स थे और समझते थे, समझदार थे और शालीनता से कोई काम करते थे। तो एक गर्म खून एक नरम खून होता है, पार्टी थी पहले तो गोडसे जी गर्म खून से थे, उन्हें उतावला आ जाता था और छोटी छोटी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तो गांधी जी के अंदर शालीनता है वो दिखाया गया है। तो देखिए फिल्म है और कोई भी डायरेक्टर नहीं चाहता कि हमारे फिल्म से कोई विवाद हो या समाज में लड़ाई झगड़ा या कोई कुछ कांड हो, हिंदू मुस्लिम हो, इसीलिए उन्होंने फिल्म के माध्यम से जोड़ना चाहा है कि वो कुछ और था, कुछ और दौर था, हमारे पास मोबाइल नहीं थे, टेलीग्राम नहीं थे, बहुत कुछ नहीं था, तो जो कह दिया वो मान लेते थे। आज हमारे पास सोशल मीडिया है, हर चीज़ देख सकते हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से राजकुमार संतोषी जी ने सब कुछ जोड़ना चाहा है और गांधी जी की विचारधाराओं को लाना चाहा है। एक डायलॉग उसमें है कि गोडसे एक दिन में कोई बन सकता है लेकिन गांधी बनने में वर्षों लग जाता है। तो गांधी की विचारधारा, क्योंकि कभी कभी हम उतावलेपन में भी कुछ गलत कर जाते हैं, तो वही सब दिखाया गया है। आउट ऑफ 5 कितना है सर? 5 में से कम 4.5 मिलना चाहिए। पॉइंट 5 कम किया है, क्या चेंजेस देख रहे हैं? हाँ कहीं कहीं थोड़ा सा वो लगा कि गोडसे जी को, क्योंकि वो उतावले थे तो प्रॉपर हाईलाइट उनको रखना चाहिए था, उनका जो होता है ना कि एक थ्रोइंग हमेशा रखना चाहिए, लेकिन लास्ट में कुछ कुछ बातें उनको डल करती है, तो अगर उनको सोच में विचारधारा है तो क्यों मारे उनको, तो ऐसा नहीं है, उनको हमेशा एग्रेसिव रखना चाहिए था भले वो अच्छा, क्योंकि मैं तो अपने फ्लो में हूँ ना, अब मैं कुछ सुनूंगा इन दुनिया का तो मैं क्यों सुन रहा हूँ, तो गोडसे को ऐसा दिखाना चाहिए था कि वो सुनता रहे, अरे पागल है ये है मैं कुछ नहीं जानता, ये गलत है तो गलत है, वो कंटिन्यू फ्लो रखना चाहिए। तो मुझे लगा जो हाफ पॉइंट कम दिया है इसके हिसाब से। लव यू, थैंक यू। खूबसुंदर सुंदर चिन्मय मांडलेकर साठी हट्स ऑफ। मैम जिस तरह से पिक्चर में बताया है कैसे लोगों की मेंटालिटी चेंज हो रहा है? आता हे ये फिक्शनच आहे ऍक्च्युअली, हा सिनेमा म्हणजे खरं तर फिक्शनच आहे,
मराठीत बोलतोय मी मग चालतंय ना बरं कारण चिन्मय म्हणले का महाराष्ट्रीयन आहे म्हणून त्याच्यासाठी मी खास म्हणते खूपच सुंदर आणि बघितलं शेवटी काय बघितलं दोघे जण एकत्र तरी पण भांडतात लोक हेच आहे हे आत्ता पण सध्या तेच चाललं आहे असं आमचं म्हणणं आहे ओके चला आम्ही